हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। ये क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 2 पहले हो चुका है। ये आया था तुम्हारा एम्स 2018 में और ये आया था तुम्हारा नीट 2018 में। सो 19 का हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर, 18 का देखिए। इसमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या, जिसके जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो, हाइड्रोजन के बाद जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना बचता हो, उसको हम डायमैग्नेटिक कहते हैं। मतलब जिसमें सारे ऑर्बिटल में क्या इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो, ठीक है। और अनपेयर्ड होने से क्या पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो मुझे हमने ये निकाला था Fe-CN6 का निकाला था, ये क्या है ना डायमैग्नेटिक, ऑप्शन ए में हमने चेक किया था। अब ये चेक करते हैं, हाँ CO ये CO LS3 होल 6 3+, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, जो सेंट्रल एटम है कोबाल्ट, उसका ऑक्सीजन स्टेप करना है। तो ये देखो, इसका एक्स मान लिया, अमोनिया में चार्ज कितना है 0 6 × 0, ये कितना रहेगा +3, एक्स कितना होगा +3। हाँ, तो कोबाल्ट का जो सेंट्रल एटम है उसका चार्ज कितना है +3। तो CO का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, इसका जेड कितना है 27, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, 4s2 3d7, ऐसे ही कुछ आएगा एंड का। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लो मेरे पास CO3+ निकालना है, इसमें कितना रहेगा 24, तो हम दो इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल लिए, तो क्या हो जाएगा 3d6 4s0, ऐसे ही कुछ होगा। इसका मतलब क्या, एस में इधर 4s हो गया, इधर 4p हो गया, ठीक है। ये 3d हो गया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसा था ना, पहले कितना था 3d7 ना, यहाँ पे ऐसा था, इसमें 2 था, ठीक है। तो बाद में क्या, ये हट गया और ये हट गया, बराबर, ठीक है, ये हट गया और ये हट गया। अब देखो मेरे पास यहाँ पे ये ऑर्बिटल खाली है, ठीक है, क्या NS3 6 है, तो 6 चाहिए, ये 1 है या 1 2 3 4 5, तो क्या होगा, ये वाला इधर आ जाएगा, क्योंकि NS3 क्या स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड है, इसका ओवरऑल क्या बन जाएगा, D2 SP D2
एस पी थ्री, ठीक है। इसका एवरेशन क्या आएगा डी टू, इसमें दो डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, एक एस का और एक पी, ये बन जाएगा। ये बन गया तो मेरे पास देखो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? ये इधर क्यों आया? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है NSP, क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में चेक करना, NSP क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो लिगेंड की वजह से क्या ये इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा, ठीक है। तो पेयर हो गया तो डी टू एसपी थ्री होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ पे डायमैग्नेटिक होगा, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा ए, सही। फिर क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर टू क्या थोड़ा अनयूजुअल क्वेश्चन है, क्या पूछा आयरन कार्बोनेट FeCO5, आयरन कार्बोनेट है इज ए टेट्रा न्यूक्लियर मोनो न्यूक्लियर ट्राई न्यूक्लियर डाई न्यूक्लियर, तो काफी सिंपल क्वेश्चन आते हैं, एक ही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं। इसमें तुम पहले इसको चेक कर लो, इसमें क्या करना है तुम्हें पहले इसका CO का यहाँ पे भी तुम्हें ऑक्सीजन स्टेट निकालना है, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना है, ठीक है। फिर देखना है OX ऑक्सलेट तुम्हारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या फिर वीक फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो इसमें ऐसा पेयरिंग हो जाएगा, ठीक है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, कह सकते हैं, ठीक है। वीक फील्ड रहा तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर यहाँ पे वही चेक करना है Fe का ऑक्सीजन स्टेट चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे भी वैसे सब कुछ चेक करो वैसे, ठीक है। सी एन क्या फिर से स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वैसे चेक करते जाओगे तो ऐसे मिल जाएगा, तो हमें पहले ऑप्शन में ऐसा मिल गया, ये तुम्हारा एम्स में आया था नेगेटिव में, तो क्वेश्चन टफ नहीं है, ठीक है। तो बेसिक चीजें आना चाहिए, वही चीज रिपीट होता है हमेशा। सो एडी में देखो सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आया, सो नेगेटिव में भी सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आया, तो कॉन्सेप्ट क्या रिपीट हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर देख, क्वेश्चन फोर में पूछा है FeCO5, जो कार्बोनिल ग्रुप है ना, ये क्या कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं उसको, इसमें क्या होता है ये एक सेंट्रल एटम से भी जुड़ सकता है, ये मतलब इसके जो बाइटेंटेड पॉलीटेंटेड कहते हैं हम ना, लेकिन मतलब इसका ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड कैसा होता है, कार्बोनिल ग्रुप ऐसे कुछ होता है, नहीं तो इधर इधर से भी जुड़ सकता है, इधर से भी जुड़ सकते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अगर ये कार्बोनिल ग्रुप एक सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ है, अगर ये कार्बोनिल ग्रुप एक सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ है तो उसको हम कहते हैं मोनो न्यूक्लियर, मोनो न्यूक्लियर कहने का मतलब क्या, इफ कार्बोनिल ग्रुप इज बॉन्डेड टू या कोऑर्डिनेटेड विद सिंगल सेंट्रल एटम, ठीक है, एक ही सेंट्रल एटम से जुड़ा हो तो उसको हम कह देंगे मोनोन्यूक्लियर, ठीक है। अगर दो सेंट्रल एटम होता तो हम कहते हैं क्या कहते हैं डाइन्यूक्लियर, अगर तुम्हारे पास तीन होता तो ट्राइन्यूक्लियर, चार होता तो टेट्रा। FeCO5 कैसा है मोनोन्यूक्लियर, ठीक है, आंसर ये होगा। एट में पूछा गया FeCO5 क्या मोनोन्यूक्लियर है, ठीक है।
ज्योमेट्री, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स एन आई सी ओ फोर. पहला है स्क्वायर प्लैनर एंड डायमैग्नेटिक बी ए टेट्राहेड्रल एंड डायमैग्नेटिक सी ए स्क्वायर प्लैनर एंड पैरामैग्नेटिक बी ए टेट्राहेड्रल एंड पैरामैग्नेटिक. क्वेश्चन नंबर सिक्स लिखो. द टाइप ऑफ आइसोमेरिज शोन बाय द कॉम्प्लेक्स CO Cl2 En Cl2 is number A geometrical isomerism, number B coordination, isomerism, number C ionization, isomerism, number D linkage, isomerism. ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं. देखो फिर से ये दोनों क्वेश्चन नीट में आ चुका है 2018 में. 2018 में इसको डिस्कस करते हैं. समझे, तीन चार क्वेश्चन ऐसे कर लिए. मुझे क्या ज्योमेट्री पूछा है, पहले क्या हाइब्रिडाइजेशन पूछा था, तो पहले हमें क्या हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा, फिर ज्योमेट्री पता चलेगा. ठीक है, पहले हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है इसका हम निकालते हैं. वही सेम कहानी, निकल है इसमें क्या, मुझे ये कॉम्प्लेक्स है इसमें इसका ऑक्सीजन स्टेट पता करना है. ठीक है, कैसा होगा, एक्स प्लस फोर इंटू जीरो, ये कितना जीरो, और x इक्वल टू जीरो, तो निकल का ऑक्सीजन से क्या जीरो है. फिर